माता की वंदे वंदे। वो हिंदू नहीं जिसका खून न खौला, वो खून नहीं वो पानी है। महाराणा प्रताप सेना एक ऐसा नाम जो इस बात के लिए विख्यात है, जब भी देश की बात आती है, महाराणा राणा प्रताप थे एक जो देश के लिए मर मिट गए और घास की रोटी खाकर उन्होंने लड़ाई लड़ी। और एक महाराणा प्रताप सेना है जो हर मुद्दे पे, जब बड़ी बड़ी पार्टियां, हिंदुत्व की समर्थक पार्टियां उस मुद्दे पे बोलने से कतराती हैं, बसती हैं, तो उस पर खुलेआम अपनी राय व्यक्त करते हैं और जंतर मंतर की जमीन से जो दहाड़ लगाते हैं, जो चिंगाड़ लगाते हैं, कहते हैं हम राणा प्रताप के चीते हैं और देश के लिए जीते हैं, इस तरह के नारे के साथ हमारे साथ परमार जी हैं और एपी सिंह वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहले महात्मा जी भी हमारे साथ, तो मैं परमार जी के पास आता हूँ। पहले लगातार ओवैसी ये कहते रहे कि मेरे गले पर छुरी रख दो फिर भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन वहीं वो जय फिलिस्तीन बोलते हैं जब शपथ पढ़ते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ऐसे जिहादियों की मानसिकता के लिए ही तो राजवर्धन सिंह का जन्म हुआ है, सीने पे पैर रखकर और इस गधे से चार जहां मारे वहां तुरंत कहेंगे भारत माता की जय, और अगर ना बोल दे तो पाकिस्तान हम छोड़ के आएंगे। आपके खिलाफ तो कार्रवाई हो जाएगी अगर ऐसे बोले। होने दो, इस कार्रवाई से नहीं डरते हम, महाराणा के चीते हैं, उन्हीं के नाम से चीते हैं, बात मान सम्मान स्वाभिमान की आएगी तो इसी गधे से सर तोड़ना भी जानते हैं। लेकिन लगातार ये जो बात उठ रही है कि जय फिलिस्तीन का नारा, तो उनका जो तर्क है वो कह रहे हैं कि भाई फिलिस्तीन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो क्या कुछ संसद में जय इजराइल का भी नारा लगा के प्रधानमंत्री बन जाए? अत्याचार हो रहा है तो वहां जाए, वहां प्रधानमंत्री बन जाए, यहाँ काहे को राशन आसन ले रहे हैं? अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई जी ने कहा चिराग जी राशन मंत्री हैं, वो राशन दे देंगे, दवाई मंत्री नड्डा जी हैं, वो दवाई दे देंगे, उसी देश में चले जाएं। यहाँ जी जो राम की बात करेगा वही देश में रहेगा, वरना दे गदा दे गदा दे गदा। अगर दे गदा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। कोई मुश्किल नहीं, भारत को एक नई क्रांति की जरूरत है, गदा क्रांति। और अगर अमित शाह और मोदी जी ऐसे शांत रहे, अगर ओम बिरला जी शांत रहे, तो आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये गदा दिखाने के काम नहीं, आपको मारते हुए दिखाई दूंगा मैं। अच्छा, लगातार एपी सिंह जी ये जो बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है लगातार, तो संविधान में भी कहते हैं कि शपथ के साथ आप किसी दूसरे देश की तारीफ नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया है। तो वो शपथ के प्रोफार्मा में, जो शपथ का प्रोफार्मा है उसमें कहीं ये कुछ है ही नहीं, न संविधान में है। ये पूरी तरह से ओवैसी ने असंवैधानिक, असंसदीय, गैर कानूनी, देश को अपमान करने वाली, लोकतंत्र को अपमान करने वाली, हैदराबाद की लोकतंत्र की जनता को अपमानित करने वाला जो स्लोगन वहां दिया है वो पूर्ण रूप से गलत है। पूरा देश इसकी भर्त्सना कर रहा है और सभी पक्ष और प्रतिपक्ष के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए और इसका अपमान का बदला लेना चाहिए और कहना चाहिए कि पूरी तरह से गलत है। और इस तरह संवैधानिक प्रक्रिया में क्या हल हो सकता है? जैसे मैंने कुछ वरिष्ठ वकीलों को सुना, जो विष्णु जैन जी हैं, उन्होंने कहा कि हम याचिका लगाएंगे कोर्ट के अंदर और इनकी संसद सदस्यता को रद्द कराएंगे, क्या ऐसा हो सकता? आप कुछ हो सकता है? बिल्कुल ऐसा होगा और ऐसा हो सकता है। इस तरह से असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल देश की चुनी हुई संसद में सभी सांसदों के सामने, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोकसभा स्पीकर करके सामने इस तरह से ऐसे बोलना बिल्कुल गलत है और उन्हें या तो शब्द वापस लेना चाहिए, रिटर्न अपोलॉजी करना चाहिए, और इसीलिए उनके शब्द को संसद की कार्रवाई से निकाल दिया गया है और उन पर एक्शन होना चाहिए और सदस्यता खत्म होना। हमारे साथ क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत हैं हितवेश्वर नाथ जी महाराज। संत समाज में कैसा प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे? बहुत गुस्से में है या कह रहे हैं कि लोग बोलते रहते हैं कोई बात नहीं? ये तो आम दिन हो गया आजकल, भारत के बारे में कोई भी उठ के बोल देता है, क्या मीडिया में सुर्खियां लेने का ये तरीका बन गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, मीडिया में सुर्खियां लेने का कहे का तरीका, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की भाषा का ओवैसी जी ने जिस प्रकार बोला है, मुझे लगता है इनको थोड़ी सभ्यता, इनको मर्यादा है, नहीं पता नहीं किस कौन सी खून इनके अंदर रंगों में दौड़ रहा है। और ये पहली बात, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार इन्होंने फ़िलिस्तीन के बारे में बोला, फ़िलिस्तीन की जय का नारा लगाया, मुझे लगता है इनको फ़िलिस्तीन चला जाना चाहिए, भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं, तुम भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो भारत में क्यों रह रहे हो? ये तो लगातार ये कहते रहे, इनका बड़ा एक बयान है पुराना कि जिसमें कहते हैं मेरे गले पे छुरी रख दो, नहीं बोलता भारत माता की जय, क्या कर लोगे, मेरा धर्म अलाउ नहीं करता। कौन से धर्म की बात करते हैं? इस्लाम की बात करते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद नहीं जो भारत माता की जय बोलते थे?
आप बताइए कौन नहीं रहा, क्या अब्दुल हमीद नहीं थे जिन्होंने भारत माता की जय बोली? तुमको भारत माता की जय बोलने की तुम्हें प्रॉब्लम आ रही क्यों? क्योंकि तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारे खून के अंदर फिलिस्तीन का खून दौड़ रहा है, तुम भारत के नहीं होगा। भारत के होते या अब्दुल या हमीर अब्दुल्ला को मानते या आप मैं अगर APJ अब्दुल कलाम के आजाद की विचारधारा पर चलते तो भारत माता की जयकार बोलते, लेकिन आप बोल नहीं सकते ना क्योंकि भारत के हो ही नहीं। तो जब भारत के नहीं तो भारत में रह क्यों रहे हो, भारत का खा क्यों रहे हो, भारत का पी क्यों रहे हो, भारत में रहने की परमिशन क्यों? मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे संत समाज की ओर से कि ओबीसी को तुरंत इनकी संसदस्थता बर्खास्त की जाए और इनको तुरंत फिलिस्तीन भेज दिया जाए, भारत में रहने का इनका कोई अधिकार नहीं। राज्यवर्धन जी, गदा तो आपने थाम ली, गदाधारी भीम बन जाएंगे आप, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संवैधानिक तरीके से इलाज नहीं हो सकता? अगर हो गया होता तो अब तक कर देना चाहिए था सरकार को। तो सरकार अगर इलाज नहीं करेगी तो फिर आप इस पर गदा लेके मतलब उतर आएंगे? अब भगत सिंह राजगुरु तो बेचारे चले गए ऊपर, किसी को तो बनना ही पड़ेगा, तो राजवर्धन सिंह गर्दन तोड़ेंगे ना। गदा तो काफी शक्तिशाली है, तो इस गदा से इलाज होगा? अब देश में गदा तंत्र चलेगा क्या? जो राम की बात करेगा वही इस देश में रहेगा। राम का तंत्र चलेगा, ये राम का देश है, भारत देश राम का है, इसलिए हमारे राम जी के भक्त हनुमान जी हैं और हम सब हनुमान जी के भक्त हैं, और भक्त की जहाँ चलती है वहीं भगवान पधारते हैं। तो ऐसे पापियों का नाश करने के लिए हम लोगों ने गदा पकड़ी है और ऐसी गदा से मारेंगे ओवैसी को कि इसकी अक्ल ठिकाना, इसकी माँ को इसको दूध याद आ जाएगा कि मैंने किसका दूध पिया है, भारत में रहने वाली माँ का दूध पिया है या फिलिस्तीन वाली माँ का दूध पिया है, और इसका पता भी नहीं कि इसकी माँ कितनी है, फिलिस्तीन में है या पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में, ना जाने कितनी माए है इसकी, तो इसलिए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे आदमी की बात का भी कोई वजूद नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि इस व्यक्ति को बहुत आक्रोश है संत समाज में भी और महाराणा प्रताप सेना में भी, और ये आक्रोश गदा के रूप में झलक रहा है और कह रहे हैं कि हम गदा से इलाज करेंगे। अब संवैधानिक क्या है, क्या ये सांकेतिक गदा है या ये सीधा सीधा चेतावनी है कि भाई जो भारत की बात करेगा वही देश पर राज करेगा की बात हो रही है? लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्या लगता है कि कुछ लोगों को सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, जय फलस्तीन बोलते हैं, जिससे कोई पूछ नहीं रहा हो तो जय फलस्तीन बोलेंगे तो शायद उनकी चर्चा आ जाएगी, ऐसा भी लगता है, क्योंकि जानबूझ के दिया हुआ गया बयान भी हो सकता है। लेकिन वही संसद में सारे सांसद आए, सबने कहीं ना कहीं जय भारत भी बोला, हिंदुस्तान की जय भी बोली और भारत माता की जय, वंदे मातरम सब बोला गया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के भाषण में कहीं भी जय भारत, जय हिंदुस्तान या भारत माता की जय वो कहीं भी नहीं था, लेकिन हाँ जय फिलिस्तीन था। तो आवाज़ तो उठेगी, बात तो उठेगी और बात जायज भी है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए मिनी संसद।